everyone. Today in heredity and evolution chapter we are going to discuss the topic evolution in stages. So children, in complex organisms, both vertebrates or invertebrates. See, what are vertebrates? Vertebrates are the organisms that have vertebral column. Jin organisms mein backbone hoti hai, unhe hum bolte hain vertebrates. Like birds, reptiles, mammals, we all are vertebrates. And invertebrates are the organisms that do not have vertebral column. जिन ऑर्गेनिजम्स के वर्टिब्रल कॉलम यानी कि बैकबोन नहीं होता है उन्हें हम बोलते हैं इनवर्टिब्रेट्स, लाइक बटरफ्लाइज, एंट्स, स्नेक एंड फ्लैटवर्म, दे ऑल आर इनवर्टिब्रेट्स. सो डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गन इज कंट्रोल्ड बाय अ नंबर ऑफ जीन्स. देयरफॉर अ सिंगल डीएनए म्यूटेशन कैन नेवर मेक एनी ऑर्गन टू अपीयर फुल फ्लेश्ड और फुली फंक्शनल. मीन्स जो एक ऑर्गन का डेवलपमेंट और उसकी फंक्शनिंग ये बहुत सारे जीन्स मिलकर के कंट्रोल करते हैं. मींस एक सिंगल डीएनए म्यूटेशन कैन नॉट फॉर्म एनी ऑर्गन टू अपीयर फुली फंक्शनल और फुल फ्लेश्ड. मींस केवल एक डीएनए म्यूटेशन, डीएनए म्यूटेशन मींस डीएनए वेरिएशंस, जो डीएनए के में रेप्लिकेशन के टाइम पे जो चेंजेस आते हैं, जो उसकी सीक्वेंसिंग में चेंजेस आते हैं, दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन. तो केवल एक डीएनए में म्यूटेशन की वजह से कोई भी ऑर्गन फुली फंक्शनल नहीं हो सकता है. एंड इट मीन्स एन ऑर्गन डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गन इट टेक्स सेवरल ईयर्स और इट हैपन्स इन सेवरल स्टेजेस ओवर जनरेशंस स्टेप बाय स्टेप बाय अ नंबर ऑफ म्यूटेशंस. मीन्स कोई भी ऑर्गन तभी प्रॉपरली फुली फॉर्म होता है और फुली फंक्शनल होता है जनरेशन टू जनरेशन जब चेंजेस होते हैं, उनमें म्यूटेशन होता है ऑर्गेनिजम्स में, तब जाके एक ऑर्गन पूरी तरीके से फॉर्म होता है एंड फुली फंक्शनल होता है. सो चिल्ड्रन, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ इवोल्यूशन ऑफ आईज. यू नो, इन ऑर्गेनिजम्स एनी कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गन कैन नॉट बी जनरेटेड बाय अ सिंगल जीन म्यूटेशन. दे आर क्रिएटेड बाय नेचर बिट बाय बिट ओवर मेनी जनरेशंस. देखिए, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में कोई भी बॉडी ऑर्गन केवल एक बार के जीन म्यूटेशन से नहीं फॉर्म होते हैं. ये बहुत धीरे धीरे होते हैं, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इवोल्यूशन ऑफ आईज, इट प्रोवाइड्स एन एग्जाम्पल ऑफ इवोल्यूशन इन स्टेजेस और स्टेप बाय स्टेप. अगर हम आईज का इवोल्यूशन देखें तो इससे हमें पता चलता है कि इवोल्यूशन बहुत ही स्टेजेस में हुआ है और स्टेप बाय स्टेप हुआ है. यू नो, द फर्स्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव आईज अपीयर्ड इन फ्लैटवर्म्स प्लेनेरियंस इन द फॉर्म ऑफ आई स्पॉट्स विच कुड सिंपली डिटेक्ट लाइट. अगर हम देखें प्लेनेरिया में तो उसमें आई स्पॉट्स होते हैं और जो कि केवल लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं. एंड स्टार्टिंग फ्रॉम दिस सिंपल डिजाइन मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स आईज वर डेवलप्ड इन एनिलीड्स, ऑर्थोपोड्स, मॉलस्क एंड ऑल वर्टिब्रेट्स इंडिपेंडेंटली. देखिए, प्लेनेरिया में सबसे पहले आई स्पॉट्स डेवलप हुए और धीरे धीरे आईज का डिजाइन डेवलप हुआ और एनिलीड्स में, ऑर्थोपोड्स में. देखिए, ऑर्थोपोड्स में क्या होते हैं, कंपाउंड आईज, और इससे आईज का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर डेवलप हुआ स्टेप बाय स्टेप. सो इट प्रूव्स दैट इन ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइंस आर क्रिएटेड बाय नेचर बिट बाय बिट ओवर मेनी जनरेशंस. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इवोल्यूशन ऑफ फेदर्स. सी, फेदर्स दे कैन स्टार्ट आउट as providing insulation in cold weather, but later they might become useful for flight. देखिए, पहले फेदर birds को insulation provide करते थे ठंडी weather में, लेकिन बाद में ये उनके लिए बहुत ज़रूरी हो गए flight के लिए, क्योंकि ये उन्हें flight में, ये उन्हें उड़ने में help करते थे. And you know, some dinosaurs they also had feathers, but in dinosaurs feathers help in thermoregulation and not for flight. लेकिन डायनासोर्स में फेदर्स उन्हें फ्लाइट में हेल्प नहीं करते थे, उन्हें उनकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करते थे. एंड डायनासोर्स दे कुड नॉट फ्लाई यूजिंग फेदर्स, बट बर्ड्स यूज देम फॉर फ्लाइट विद द कन्वर्जन ऑफ फोर लिम्स इनटू विंग्स सपोर्टेड विद फेदर्स. देखिए, बर्ड्स में क्या हुआ, बाद में उनके जो फोर लिम्स थे ये विंग्स में कन्वर्ट हो गए और इस तरह से जो उनके फेदर्स थे ये उन्हें फ्लाइट में हेल्प करते थे. सो प्रेजेंस ऑफ फेदर्स इन बर्ड्स एंड इन सम डायनासोर्स इट सजेस्ट
दैट बर्ड्स आर क्लोजली रिलेटेड टू रेप्टाइल्स. तो बर्ड्स में भी फेदर की प्रेजेंस और जो डायनासोर्स के हमें फॉसिल्स मिले उनमें भी फेदर्स थे. तो इससे ये पता चलता है कि बर्ड्स जो हैं दे आर क्लोजली रिलेटेड टू रेप्टाइल्स सिंस डायनासोर्स दे वर रेप्टाइल्स. सो इट प्रूव्स दैट बर्ड्स दे आर क्लोजली रिलेटेड टू रेप्टाइल्स. सो इट प्रोवाइड्स एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअल इवोल्यूशन. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आर्टिफिशियल सेलेक्शन. सी आर्टिफिशियल सेलेक्शन और मैन ऑपरेटेड सेलेक्शन ऑल्सो प्रोवाइड्स एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेप बाय स्टेप और ग्रेजुअल इवोल्यूशन. देखिए आर्टिफिशियल सेलेक्शन या फिर मैन ऑपरेटेड सेलेक्शन, तो इससे भी हमें पता चलता है कि इवोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप हुआ है और धीरे धीरे हुआ है. एंड वी हैव स्टडीड दैट नेचुरल सेलेक्शन इट ऑलवेज सेलेक्ट्स और फेवर्स दोज जेनेटिक वेरियंट्स विच हैव सर्वाइवल एडवांटेज. देखिए नेचुरल सेलेक्शन उन्हीं को फेवर करता है जिनके सर्वाइवल एडवांटेज होते हैं, जिन कैरेक्टर्स के जिन वेरियंट्स के में सर्वाइवल एडवांटेजेस होते हैं. एंड द प्रोसेस लीड्स टू द अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स. एंड आर्टिफिशियल सेलेक्शन इट इज सिमिलर टू नेचुरल सेलेक्शन एक्सेप्ट दैट इट इज प्रैक्टिस्ड बाय मैन फॉर द सेलेक्शन एंड ब्रीडिंग ऑफ इंडिविजुअल्स विद डिजायर्ड कैरेक्टर्स. सो वॉट इज आर्टिफिशियल सेलेक्शन? इट इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग जेनेटिकली इम्प्रूव्ड एंड डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय मैन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सेलेक्शन. आर्टिफिशियल सेलेक्शन इट इज प्रैक्टिस्ड बाय मैन. और इसमें क्या होता है, जेनेटिकली इम्प्रूव्ड डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो भी प्लांट्स और एनिमल्स ह्यूमन यूज़ के होते हैं हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं उनको सेलेक्ट करके उनकी ब्रीड उनकी वैरायटी इम्प्रूव की जाती है. एंड आर्टिफिशियल सेलेक्शन वी नो दैट इट इज़ कैरीड आउट बाय मैन. सो वन ऑफ इट्स एग्जाम्पल इज वाइल्ड कैबेज प्लांट. यू नो ह्यूमन्स हैव कल्टिवेटेड वाइल्ड कैबेज फॉर मोर देन 2000 ईयर्स एज फूड प्लांट एंड जनरेटेड different vegetables from it by selection. So this is artificial selection, that is modification of species by selective breeding by man rather than natural selection. And you know varieties like cauliflower, broccoli, cabbage, red cabbage, kohlrabi and kale, they have evolved from a common ancestor, that is wild cabbage. स्टूडेंट्स आप सभी ने गोभी की डिफरेंट वेराइटीज़ देखी होंगी, जैसे कॉलीफ्लावर है, ब्रोकली है, कैबेज है, रेड कैबेज, कोलराबी जिसको हम काट गोभी भी बोलते हैं, केल. तो ये सब एक कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुई हैं और वो कॉमन एंसेस्टर क्या है, वाइल्ड कैबेज. सो आर्टिफिशियल सेलेक्शन इट प्रोवाइड्स एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेप बाय स्टेप और ग्रेजुअल इवोल्यूशन. एंड द ट्रेसिंग ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स depends on the original idea that changes in DNA during reproduction are basic events of evolution. And you know, this method is extensively used these days. It defines the evolutionary relationship by comparing the DNA of different species and by giving us a direct estimate of how much DNA has changed during the formation of different species. देखिए इस जो इवोल्यूशन है इसका ओरिजिनल आइडिया है वो है डीएनए में चेंजेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन. इट इज़ द बेसिक इवेंट ऑफ इवोल्यूशन. और ये जो मेथड है ये आजकल इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. हम अलग अलग स्पीशीज़ के डीएनए को अगर कंपेयर करके देखते हैं तो ये पता चलता है कि जो नई स्पीशीज़ बनी है उनके डीएनए में कितने चेंजेस हुए. सो दिस मेथड इज़ नाउ एक्सटेंसिवली यूज्ड to define evolutionary relationships.